ये है हीरो की तरफ से आने वाली ग्लैमर 125 2024 का लेटेस्ट वाला मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिर से कंटिन्यू हो चुकी है, बाइक काफ़ी अच्छी है। और हमारे सामने जो कलर कॉम्बिनेशन है ये रेड प्लस ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। बाइक जो है काफ़ी अच्छी है और 2024 में क्या अपडेट्स होकर ये रिलॉन्च हुई है इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लैमर के 3D में लोगो मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका जो इंजन है ना 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो इंजन चेंज कर दिया गया है। बता दें जो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक वाला मॉडल आता है 125 सीसी का, वही वाला इंजन इसमें यूज कर रहा है। तो सबसे पहले इस बाइक के मीटर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप मीटर देख सकते हो, मीटर जो है फुल्ली डिजिटल मीटर का सपोर्ट मिल जाता है। मीटर चालू करके दिखा देते हैं, यहाँ पर आप मीटर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको मीटर शो होने वाला है। बाकी आपको सारे नोटिफिकेशन इसमें मिल जाएंगे, चेक इंजन लाइट, हाई बीम, लो बीम, न्यूट्रल, और यहाँ पे आपको मोड करके बटन मिल जाती है, आप ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो आराम से। बाकी यहाँ से आप हैंडल बार वगैरह देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है हैंडल बार, इसमें ब्लैक मेट कलर का स्टील का हैंडल बार मिल जाता है। बाकी आपको यहाँ पे पासिंग लाइट, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर और हॉर्न के लिए बटन मिल जाती है। बाकी यहाँ पे आपको i3s वाली बटन मिल जाती है और यहाँ पे आपको सेल्फ बटन मिल जाती है। तो सबसे पहले इस बाइक के आप फ्रंट प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ से आपको बाइक दिखा दें, बाइक देख सकते हो यहाँ पे आपको वाइजर वगैरह सेम रखा गया है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी लुक में ब्लैक कलर का वाइजर मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको 3D में हीरो की बैजिंग मिलने वाली है। मेन लाइट जो है टोटल आपको यहाँ पे हाइलोजन सेटअप के साथ मेन लाइट मिल जाती है। बाकी जो ग्लैमर एक्सटेक वाला मॉडल है ना उसमें आपको DRL वगैरह देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करें इंडिकेटर्स की ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइलोजन सेटअप के साथ इंडिकेटर वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर के लिए जगह मिल जाती है। टेलीस्कोपिक वाले यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर है अभी न्यू वाला रिफ्लेक्टर इसमें मिलने वाला है। बाकी मडगार्ड देख सकते हो, मडगार्ड जो है रेड कलर का है और ये फाइबर मटेरियल में मडगार्ड मिल जाता है ग्लॉसी लुक में, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी बता दें इसमें जो डिस्क है ना 240 mm का डिस्क साइज मिल जाता है। टायर साइज जो है 80/18 का टायर साइज मिल जाता है। बाकी ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट मिलने वाला है। एलॉय देख लीजिए, एलॉय का जो डिज़ाइन है न्यू वाला है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लैक मेट कलर का एलॉय मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे देखें ना तो लेग गार्ड वगैरह अभी लगा हुआ नहीं है, बाद में लेग गार्ड वगैरह लग जाता है। सिंगल हॉर्न का सपोर्ट मिल जाता है। बता दें जो टैंक काउल है ना ये न्यू वाला है, पहले ग्लैमर में जो टैंक काउल आता था वो दूसरा आता था, लेकिन अभी जो एक टैंक काउल है ये न्यू वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। फ्यूल इंजेक्शन के साथ है। बता दें ग्लैमर ही एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन पहले से ही आ रहा है। जितनी भी बाइक्स थी पहले किसी में भी फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता था, लेकिन ग्लैमर में फ्यूल इंजेक्शन आता था। और यहाँ से आप इंजन वगैरह देख लीजिए, इंजन जो है 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूलर वाला है और इसमें आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है, 1 गियर आगे बाकी 4 पीछे लगते हैं। यहाँ पे नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना तो 170 mm का नीचे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी यहाँ पे साइड स्टैंड की बात करें ना तो साइड स्टैंड देख सकते हो, कट ऑफ सेंसर वाला साइड स्टैंड मिल जाता है। अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी बाइक आगे नहीं चलेगी। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ आए जो फ्यूल टैंक है 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। E20 पेट्रोल के साथ अपडेट हो चुका है, फ्यूल इंजेक्शन के साथ है। 2 से 3 लीटर पेट्रोल आपको आराम से इसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे आप फ्यूल कैप वगैरह देख सकते हो, सिल्वर कलर में आपको फ्यूल कैप मिल जाता है। ग्लैमर का 3D में लोगो मिलने वाला है और यहाँ पे आउटलाइन ब्लैक कलर में मिल जाती है। बाइक जो है काफ़ी अच्छी है, मीटर वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बता दें इसमें USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो आप मोबाइल वगैरह आराम से इसमें चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे बात करें सीट की ना तो सीट में आप 3 लोग आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे साइड पिलर्स की ना तो यहाँ पे आपको i3s की बैजिंग मिलने वाली है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको टोटल फाइबर मटेरियल मिल जाता है। यहाँ पे बात करें क्रोम पार्ट लगाया गया है अभी, बाकी पहले जो था पहले आपको ग्रिल आती थी लेकिन अभी ये क्रोम पार्ट लगाया गया है, ये न्यू वाला है, बाकी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से। बाकी यहाँ पे देखें ना जो चैन कवर है, चैन कवर टोटल प्लास्टिक का चैन कवर मिल जाता है इसमें। और यहाँ पे जो सस्पेंशन है टोटल यहाँ पे एडजस्टेबल वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं। लेडीज़ फुटरेस्ट वगैरह यहाँ से देख लीजिए, ये भी काफ़ी सही है, लेडीज़ फुटरेस्ट प्लस लेडीज़ गार्ड दोनों मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 125 सीसी की है, इसका जो वेट है ना टोटल 122 किलोग्राम टोटल वेट इसका चला जाता है। बाकी इस बाइक के रियर व्यू की तरफ आ जाए ना तो यहाँ पे आप ग्रैब रील वगैरह देख लीजिए, ग्रैब रील जो है टोटल चेंज कर दिया गया है और ये न्यू वाला ग्रैब रील है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे आपको हीरो की बैजिंग मिलने वाली है। यहाँ पे देखें ना जो टेन लाइट वगैरह है, हाइलोजन सेटअप के साथ टेन लाइट मिल जाती है, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइलोजन सेटअप के साथ इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको रियर व्यू जो है टोटल चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे देखो तो सिंगल रिफ्लेक्टर और नीचे की तरफ यहाँ देख सकते हो लाइट मिल जाती है, नंबर प्लेट रिफ्लेक्टर के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे देख सकते हो टायर जो है आपको 180/18 का टायर साइज मिल जाता है। 130 mm का यहाँ पे ड्रम ब्रेक मिल जाता है। बाकी ट्यूबलेस टायर का सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ से देख लीजिए एलॉय जो है काफ़ी अच्छा मजबूत एलॉय इसमें मिल जाता है।
बाकी सस्पेंशन जो है एडजस्टेबल वाले हैं। और यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे जो है आपको ब्रेक ऑयल के लिए जगह मिल जाती है। बाकी इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, आप रियर वाला ब्रेक अप्लाई करते हो तो फ्रंट वाला भी लग जाता है ऑयल के थ्रू। बाकी यहाँ पे आप फुटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे देखें साइलेंसर मफलर जो है अभी लगा हुआ नहीं है, बाद में क्रोम पार्ट में साइलेंसर मफलर लग जाता है, मेटल बॉडी में रहता है। बाकी यहाँ से देखें इंजन, जो इंजन है किक प्लस सेल्फ दोनों के साथ स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बाइक में आपको ऑक्सीजन सेंसर भी देखने को मिल जाता है, बाइक जो है ठंड वगैरह में आराम से स्टार्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ब्रेक लीवर देख लीजिए, ये भी काफ़ी सही मिल जाता है। और यहाँ पे देखें जो इंजन है आपको चालू करके भी दिखा देते हैं कि कैसी आवाज़ आती है इंजन की। और ये 125 सीसी का न्यू वाला है। यहाँ पे आप इंजन की आवाज़ सुन सकते हो, काफ़ी रिफाइंड और काफ़ी रगड़ इंजन है। बाकी बता दें इसमें आपको वाइब्रेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यू वाला इंजन है और इसमें जो है आपको 5 गियर का सपोर्ट मिल जाता है ना, तो वाइब्रेशन वगैरह टोटल ख़त्म ही हो जाता है। बाकी इसमें बता दें फ्यूल इंजेक्शन के साथ है ना, तो एवरेज जो है ये इंजन आराम से आपको 55+ का देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे आपको सिंगल प्लग का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी यहाँ से देख लीजिए साइड पैनल्स जो है आपको काफ़ी अच्छे इसमें मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम पैड लगाया हुआ मिल जाएगा। बाकी जो टैंक काउल वगैरह है ना ये चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। बाकी यहाँ से आप बाइक देख लीजिए, बाइक का जो टोटल वेट है 122 किलोग्राम है, काफ़ी सही वेट इसमें मिलने वाला है। और इस बाइक के एक्सोरूम प्राइस की बात कर लेना तो इसका एक्सोरूम प्राइस जो है 87,468 रुपये इसका एक्सोरूम प्राइस जाने वाला है। और इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें ना तो 104,268 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस चला जाता है। एवरेज वगैरह भी ज़्यादा अच्छा इसमें मिल जाता है। और बता दें ये फिर से कंटिन्यू हो चुकी है, यहाँ से आप देख लीजिए बाइक, इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दिए हैं, अब आप कमेंट्स करिए। बाकी जो बाइक थी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और ये फिर से कंटिन्यू कर दिया है।